नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। कल क्या हुआ, कल से लेकर आज तक चर्चा क्या हो रही है और चर्चा जो हो रही है वो आप जान ही रहे हैं। एक ही चर्चा है अभी तो कि हम चांद पर पहुंच गए हैं और भारत ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया है। देश और पूरी दुनिया से तारीफ मिल रही है कि देखो हमने इतिहास रच दिया है। ये तो रही खबर, अब खबर के बाद की खबर सुन लीजिए कि आज जनता जिंदाबाद मैं इस पर क्यों कर रहा हूं। कि देखिए, ऐसा है कि जो नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और जो नेता बोल रहे हैं उसको लेकर बड़ी जगहंसाई हो रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ नेता जानते ही नहीं हैं। तो उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर कह देना चाहता हूं, भाई हंसिए मत, हम भी बहुत नहीं जानते हैं, विशेषज्ञ थोड़ी हैं। पढ़ने में कॉमर्स विषय लेकर पढ़े थे, कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। अब कोई पूछ देगा कि ये भैया बताइए कि वहाँ जो प्रज्ञान पहुँचा है वो क्या कर रहा था, हम एक बार तो कहेंगे प्रज्ञान ओझा। आप समझ रहे हैं, इस तरह की बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है, वहां मिट्टी लेने गया है, क्या करेगा मिट्टी, क्या देश में कम हो गई है क्या, जब वहां मिट्टी लेने गया। कुछ लोग कह रहे हैं पानी मिल जाएगा तो आदमी बस जाएगा वहां। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मिट्टी वहां से मिल ही जाएगा तो फिर लाने ले जाने के लिए ट्रक और ट्रेन कैसे जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे को जवाब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेता चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं नेता, इसलिए नेता से, खासकर मुख्यमंत्री से, उन नेताओं से जिनको जनता सुनती है, उनसे उम्मीद की जाती है कि जब कोई जानकारी आप दे रहे हैं तो कम से कम ऐसी जानकारी दें जिसको जनता सुनकर ये समझे कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। तो चलिए आपको प्रमुख बिंदु बता देता हूं, दिखा दीजिए भाई फुल स्क्रीन पर कि आज वजह क्या है, मैं आखिर क्यों कह रहा हूं जनता जिंदाबाद और क्यों कर रहा हूं इस पर जनता जिंदाबाद। देखिए पहला बिंदु क्या है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कामयाबी की तारीफ हो रही है। दूसरा क्या है, दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान चौथा देश बन गया है। और तीसरा प्रमुख बिंदु क्या है, भविष्य में दुनिया भर में हिंदुस्तान की धमक बढ़ने वाली है, पूरे देश में तो लोग बता ही रहे हैं, विदेश की मीडिया में भी हमारी चर्चा है। चौथा क्या है, चंद्रयान की कामयाबी का के श्रेय पर सियासत हो रही है यानी राजनीति हो रही है। और पांचवा ये है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक चंद्रयान के ज्ञान से अनजान हैं। तो चलिए थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर चांद पर पहुंचे हैं जब हम तो हमको क्या हासिल हुआ है। आम जनता से भी पूछेंगे कि बताइए आपका सामान्य ज्ञान क्या है, आप कितना समझते हैं, और इसके अलावा जो राजनीति हो रही है उस पर भी जनता जिंदाबाद में जनता से पूछेंगे कि जब देश इतना बड़ा काम कर ले तो क्या उस पर सियासत होनी चाहिए, क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए। पहले नेताओं का ज्ञान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसके सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे चलती अच्छी बात है, सब में तो ठीक है। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेछिलेन राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। तो चलिए आपने देख लिया, सुन भी लिया कि मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक जो सब हैं कंफ्यूज। तो चलिए बात करते हैं और जनता से संवाद की शुरुआत करते हैं, नेताओं से भी जानेंगे कि बताइए राजनीति इस पर क्यों हो रही है। मेरे साथ कौन कौन है पहले आपका परिचय करवा देता हूं। अनुजा कपूर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। सूर्या मैथिल साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा सौरभ दुबे साहब हैं, रिमांशु पांडे हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं। दूसरी तरफ कौन है, संजीव साहब हैं जो आम आदमी पार्टी
पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव चाचरा हैं, लाल टोपी लगाए हैं, समाजवादी पार्टी से ही होंगे, मोहम्मद आसिफ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संजय मिश्रा साहब हैं ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप लोग जान रहे हैं हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? चंद्रयान पर, समझ रहे हैं ना? चंद्रयान थ्री पर कर रहे हो चर्चा आप? पहुंचा है चंद्रयान वहाँ? हाँ जी पहुंचा है, गौरव की बात है। क्या लाएगा वहाँ से? वहाँ खोज करेगा जी, जो भी कुछ करेगा वैज्ञानिकता में। ये भागना नहीं है, है कहाँ थोड़ा आ रहे हैं? अरे अभी इसीलिए कह रहे हैं कि जानिए समझिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या लाएगा वहाँ से चंद्रयान गया है? सर खोज हो रही है, मतलब पानी वगैरह चेक करेंगे। हाँ ठीक बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, पानी ओनी खोजेगा वो, समझ रहे हैं, पानी खोजेगा, ये खोजेगा। मान लीजिए यहाँ बहुत लड़ाई हो गई, बहुत लड़ाई हो गई, घर घर में लड़ाई, जगह ही नहीं बची तो कहाँ रहा जाएगा, समझ रहे हैं ना? कि वहाँ रहने की व्यवस्था एकदम आम बोलचाल की भाषा में समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है कि भाई जगह ही नहीं बची, यहाँ एक इंच जगह नहीं तो कहाँ रहा जाएगा? चंद्र पे। कहाँ रहा जाएगा? ऊपर चांद पे। ऊपर चांद पे ना? जी जी, बड़ी बात है ना, चांद में जमीन, समझ रहे हैं। धीरे धीरे होटल रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा अगर गुंजाइश होगी तो। गुंजाइश होगी तो, लेकिन ये भविष्य बहुत दूर का है, लेकिन हम लोग पहुंचे हैं वहाँ तक, लक्ष्य हासिल किए हैं। और हो सकता है 2050 के आसपास वो संभव हो जाए। संभव हो जाए ये उम्मीद, देखिए समझिए, अमेरिका 12 आदमी को भेज चुका है वहाँ, अगर हम गलत नहीं है तो मुकुल जी करेक्ट करिएगा अगर हम गलत होंगे तो, समझ रहे हैं, आदमी भेज के लौटा आया है। ठीक किया ना भारत ने? बहुत बढ़िया किया। क्या किया है? तो चंद्रयान भेज के वहाँ पे कुछ तथ्य लेके आएंगे यहाँ सर, यहाँ तक वहाँ पानी है, बर्फ है, क्या है, वही सब। समझे हैं आप? बिल्कुल सर समझ गए। बताइए, चंद्रयान पहुंचा है वहाँ पे जाके खोज करेगा क्या वहाँ पे जीवन हो सकता है? जीवन हो सकता है, समझ रहे हैं, जीवन की तलाश में। बिल्कुल सही बात है, मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यार ये तो नीतीश कुमार वाला बयान है, नीतीश कुमार क्या बोले, उनसे बोले कि भाई बताइए वहाँ गया है, तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है अनुजा जी, अच्छी बात है, समझ, अच्छी बात तो है ही है। किस बारे में? क्या चंद्रयान? चंद्रयान पर जो नेताओं का ज्ञान है, नेता कह रहे हैं अच्छी बात है, कुछ कह रहे हैं जो ऊपर गए हैं वो नीचे आएंगे तो उनका भव्य स्वागत होना चाहिए, तो चंद्रयान पर जो नेताओं के सामान ज्ञान है उस पर हम जनता जिंदाबाद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात। आप मुस्कुरा रही हैं भाई, जनता का ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा ना। बताइए इस पर सियासत होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं इसलिए राजनीति की ही बात करेंगे। लोग कह रहे हैं नेहरू जी को याद करना चाहिए, उन्हीं की कल्पना की वजह से सब संभव हुआ। नेहरू जी को याद करना चाहिए, अगर नेहरू जी को याद कर लें तो इस वक्त का चंद्रयान 3 नेहरू जी के टाइम पर चला जाता ऊपर। चंद्रयान का जो मिशन है अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे 2003 में, ये तब का मिशन है 2000। चंद्रयान वन मैं बात कर लूं पहले, आपके मैं बात कर लूं, चलिए। चंद्रयान पहला जब आया तब मोदी जी की बात हम लोग जब करने लगते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2008 में चंद्रयान पहला पहुंच चुका था। चंद्रयान 2 ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो चीखेंगे, कैसे जब शादी होती है ना तो ताऊ जो ओ करके बैठते हैं, ये कांग्रेसी और घमंडिया गैंग है जिनकी पढ़ाई अकल तो कहीं नहीं है, और उनको ये भी नहीं मालूम है कि ऊपर कौन जा रहा है तो नीचे कौन आ रहा है, किसका क्या कर रहे हैं। ज्यादा बात कौन है, चौथी पास राजा कौन है लोगे, वो चौथी पात राजा और चाय वाले ने चंद्रयान 3 भारत को जब बिठा दिया, भाई बिठाया बिठाया बिठा दिया इसरो को, तो इसरो को पैसा तो दिया नहीं लोगों ने, एलोकेट इन्होंने बजट किया नहीं। हम ठीक है आ रहा हूँ अनुजा जी, आ रहा हूँ, लोकेशन दिया, आ रहा हूँ, जैसे ये हाल है। नाले से मनमोहन सिंह से पूछिए ना कि आपसे चंद्रयान 2 आपके टाइम पर क्यों ना जाते। संजय मिश्रा से गैस का चाय पी लिया आपने, नाले से प्रधानमंत्री जी ने गैस निकाल के चाय बनवा के पिला दिया, प्रधानमंत्री जी ने रिक्शा पर टायर भी भिजवा दिया, उसमें खेती का खाद भी भिजवा दिया, उनका ज्ञान इतना महान। हाँ एक बात जरूर है, आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो, गर्व से, गर्व का अवसर तो देश को मिला ना, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का अवसर है ये, वो है तमाम हिंदुस्तान जिंदाबाद, फखर की बात है हमारे लिए, और फखर की बात इसलिए है एक ऐसे इंसान की सोच, जब हमारे खाने के लिए अनाज बाहर से आता था, जो अनाज हमारे लिए बाहर से आता था
जब अनाथ नहीं था, जब इसकी स्थापना की गई उस बजट में से पैसे निकाल के, आज उसी का नतीजा है। आज ये सरकार मौजूदा एक ऐसी स्कीम लेके आती है, ऐसी सोच का नतीजा है, नोटबंदी करती है नाकामी के लिए और 2000 का नोट बंद कर देती है। हजारों पाकिस्तान पाकिस्तान कहता है हमें 100 साल लगे। चलिए चलिए सौरभ, एक एक बार सबके पास आ जाऊं यार, बताओ बताओ, चांद पर पहुंच गए, ये कहीं नहीं पहुंचेंगे, ये यहीं रहेंगे। बोलिए, देखिए राजनेता वही होता है जो जनता की भावनाओं से जुड़ता है। देखिए अगर लाल बहादुर शास्त्री राजनेता थे तो इस वजह से थे, उन्होंने अन्न त्याग दिया था। नरेंद्र मोदी भी उस तरह का व्यक्तित्व है, जब चंद्रयान 2 किसी वजह से असफल हुआ वहां पर गए, जो इसरो के मुखिया थे उनको गले लगाया और उनका उत्साह वर्धन किया, आप चंद्रयान 3 की तैयारी करिए, यह उन्होंने किया। तो आप ये बताइए, आप वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाइए, सारे राजनेता ये तो कर सकते थे। कल राहुल गांधी कहाँ थे, सोनिया गांधी कहाँ थी, अखिलेश यादव कहाँ थे, कोई राजनेता दिखाई दिया, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कौन हो, इस देश इसका जो श्रेय जाता। अखिलेश यादव सुनिए, अखिलेश यादव उन्होंने चांद मुबारक लिख दिया, मेरी बात सुनिए, चांद मुबारक गलत बात नहीं है भाई, लेकिन चांद मुबारक लिख दिया। हम आज चांद पे पहुंचे क्यों ना चांद मुबारक बोले, आज अगर इसका श्रेय जाता है इसरो को। एक सेकंड, हाँ बताइए। चांद से ज्यादा प्रेम रहा समाजवादी पार्टी की, बहुत पुरानी लगाव है समाजवादी। इसरो के वैज्ञानिकों की त्याग और तपस्या का परिश्रम का ये नतीजा है जो आज हम चांद पे पहुंचे, हमारा देश का नाम रोशन किया है। अपनी बात के ज्ञानेंद्र जी, आज इतना खुशी का मौका है, आज चिल्ला चिल्ली नहीं करनी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से ये चिल्ला चिल्ली ना करें। देश आज गौरवमयी पल को एंजॉय कर रहा है, इस देश ने आज दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रयान 3 की सफलता आज हमारे देश को एक नई बुलंदियों तक लेकर गई है, लेकिन इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, इसरो को जाता है और देश के हर जन को जाता है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम बजट में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, ये देश का बहुत बड़ा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को बधाई के साथ साथ एजुकेशन पे काम करना चाहिए, रिसर्च पे काम करना चाहिए, हेल्थ पे काम करना चाहिए। ये अभी जो काम हुआ है उस पर फिलहाल बधाई दे दीजिए, सूर्या मैथिल जी इनका झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, जबकि इस वक्त गर्व का पल है, गर्व की बात है, इस समय कम से कम ये सबको मिलकर कहना चाहिए कि देश ने इतिहास रच दिया। वैज्ञानिकों को सलाम और देश के नेतृत्व, जिसके नेतृत्व में सब हो रहा है, उनको भी ये कहने में बुराई क्या है भाई कि वाह आपके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, पहले आपको आपके पूरे देश और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए शत शत नमन हमारे सभी वैज्ञानिकों को। और ये अभी बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे इसरो के वैज्ञानिकों को नमन, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं यही वो कांग्रेसी है जिनके राज में हमारे इसरो के एक वैज्ञानिक नंबी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया था, उसके कारण हमारे अपने क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रोजेक्ट था 20 साल पीछे चला गया था। ये चिल्ला रहे हैं कि हाँ अरे भैया नमन, अरे चंद्रयान 1 की शुरुआत 15 अगस्त 2003 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुई थी, जो कि 2008 के अंदर शुरू हुआ था। अरे तुम्हारे कारण तो इसरो को बजट नहीं मिला, तुम लोगों ने बजट नहीं दिया, देश की मिसाइल जो बननी थी उसके लिए बजट नहीं दिया। और एक बात, अखिलेश यादव जी के लिए चांद पे झंडा होना औकात बताता है और झंडे पे चांद होना भी औकात बताता है। याद रखो, इतना तुष्टीकरण में अंधे मत हो जाओ कि देश के वैज्ञानिकों को नमन करने की जगह चांद मुबारक करने लग जाओ। ये इनका था, नीचे नहीं पड़ा इसरो, अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत आगे जाना है। झूठ की राजनीति बंद करो, आप झूठ की राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो यहाँ पे। इसरो के वैज्ञानिक का हौसला उड़ाने के बजाय हौसला गिरा रहे हो, झंडा डिमोटिवेट कर रहे हो, आप इसरो को डिमोटिवेट कर रहे हो। बचा देने वालों के चांद पे झंडा है। आई आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, ये नेता है, ये लड़ते झगड़ते हैं, सुनिए आ रहा हूँ, ये लोग ऐसे ही लड़ते हैं, अभी जानते हैं जब ये कैमरा बंद हो जाएगा तो एक दूसरे को चाय पिलाएंगे, समझ रहे हैं बात को, तो ये समझिए। लेकिन देखिए सुनिए, ये कितना मुश्किल काम है, ये कितना मुश्किल काम है और कितने सालों से इसकी कोशिश हो रही थी। हमारे साथ विज्ञानिक हैं और जानकार हैं, ये बताइए
जितनी आसानी से नेता लड़ ले रहे हैं, जितनी आसानी से लोग इस पर सियासत कर ले रहे हैं, क्या इतनी आसानी से संभव था चांद पर पहुंचना? कितना कठिन है ये और क्या कर दिखाया है देश के वैज्ञानिकों ने? देश के वैज्ञानिकों ने जो आज कर दिखाया है वो बहुत ही डिफिकल्ट काम था। असल में देखा जाए तो इसकी तैयारी आज से नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही है। 4 साल तो हमें मतलब पुराना मिशन करे हुए हो गए हैं, उसके बाद हम जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं उसको हमें मतलब कुछ नहीं तो 20 से 30 साल हो चुके हैं उस खाली कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में, जिसकी वजह से हम आज अपने लैंडर और रोवर्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कोई कम्युनिकेशन होता भी है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे जो लैंडिंग सीक्वेंसेस हैं। अब क्या होगा ये बताइए। अरे सुनिए भाई, हेलो, चांद वहाँ गया है, इस बार मिट्टी लाएगा नहीं लाएगा ये सब जानना जरूरी है ना, इसी बार लाएगा कि नहीं लाएगा, सुन लीजिए पहले। ये बता रहे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, जरा बता दीजिए जनता को। हम जनता जिंदा है, क्या बोल रहे हैं? चांद से वापस रोवर आने वाला नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर जितने लोग भी जितने साउट कर रहे हैं ना, केवल इनका एक बिजनेस है। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मेरा बिजनेस है। जो लोग इतना साउट कर रहे हैं वो उतना बिजनेस है, और ये जो देख रहे हैं हम पब्लिक को केवल घुमा रहे, ठीक है। हमारे लिए रिस्पेक्ट की बात है। दुनिया में 4 देश गया, कितना देख गया? 4 देश गया, हम उनमें से एक है। साउथ पोल में कितना गया अभी तक? हम पहले गए, रसिया बोल उछल उछल के गया था, पहुंचा उधर, पहुंच भी नहीं पाया, हम पहुंचे। तो हमारे लिए प्राउड की बात है। इसने बीजेपी नहीं बोला, कांग्रेस बोलना बोलने की बात है तो नहीं बोलना चाहिए ना। ये इधर आइए, हाँ ये बताइए, ये नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए तो ये हम ये हम पूछेंगे ना इनसे, इनसे पूछ। अगर आप पूछोगे ना, अगर मुझे पूछोगे तो मैं मोदी को बोलूंगा कि आज वो लीडर रहे हैं तो उनको क्रेडिट जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को पूछोगे ना, नेतृत्व की बात कर रहा था, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। इसी जनता में चाहता ताली बजाइए इनके लिए भाई। यहाँ माहौल गर्म हो गया। राहुल थोड़ा संभालो और पीछे आइए, पीछे आइए भाई, पीछे आइए, जनता से बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे जगह बनाइए, जगह बनाइए, जगह बनाइए। आपको पता है ना किस पर बात हो रही है? किस पर बात हो रही है अभी आगे? हाँ, किस पर बात हो रही है? चंद्रयान 3 पे चल रहा है, चंद्रयान 3 पे, चंद्रयान 3 पर ना, चंद्रयान पर नेताओं के ज्ञान पर बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब तो देख के हम मतलब चंद्रयान 3 जो है वो किसी सिंगल मतलब जो पार्टी है उसकी वो नहीं, खुशी की बात नहीं है, वो पूरे देश की खुशी की बात है। अगर कभी कोई राजा जंग लड़ता है तो कभी सिपाही को नहीं रहता, वो राजा मेन जो लीड करता है ना वो बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी जी किसी पार्टी की ना, वो लीड कर रहे हैं पूरे देश को, तो उनको सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है। ये लड़ रहे हैं आपस, अब लड़ना नहीं चाहिए ना इनको, वो तो हमारे देश को जाता है क्रेडिट, देश को जाता है कि नहीं जाता है पूरा ट्रेंड। ये किसी एक पार्टी की राजनीति करने का समय है क्या? यहाँ पे राजनीति लानी नहीं चाहिए इनको, बीच में हर मुश्किल कामों को करने के लिए मोदी जी को जनता ने भेजा है। हाँ, मुश्किल कामों को निवारण कर रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? एक फौजी के लिए जो भी मुश्किल काम आज तक 70 सालों में जो कांग्रेस या अदर पार्टियों ने नहीं कर पाई वो बीजेपी ने की, देश से बाहर निकल करके सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए एक ब्रेकिंग आ गई है भाई, ब्रेकिंग आ गई है, बता देंगे अभी। सर्जिकल स्ट्राइक जनता के भाई बीच दिखाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जनता जिंदाबाद में देखे। ब्रेक कर दीजिए भाई, ब्रेक कर दीजिए। ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हो गया है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हो गया है, और इसमें सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड है। देखिए ये भी अच्छी बात है, और ये ब्रेकिंग है, इसके लिए भी आप लोग ताली बजा सकते हैं। इसके अलावा RR को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर, याद है आपको अल्लू अर्जुन, याद है आप लोगों को बेस्ट एक्टर का। इसके अलावा आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है, और कृति सैनन को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, उसमें किस किस को क्या अवार्ड मिला है मैं वो बता रहा हूं। और दूसरा गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया को अवार्ड मिला है, और फिल्म मिमी के लिए कृति सैनन को अवार्ड मिला है। ये खबर ब्रेक करना जरूरी था, किसको क्या मिला है ये जानना जरूरी था। क्यों लड़ रहे थे भाई, क्या हो गया? देखिए आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई और उनकी बात होनी चाहिए साहब, आप भी उसके पास। आप क्या हो गया था, किस बात से शिकायत थी? सर मैंने इनसे आम ही सवाल करा था कि राहुल गांधी सर को जो इन लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, तो एक कहावत बहुत फेमस है, जरो विद्या बुद्धि बार। मैंने सर से कहा कि उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता होगा, ये बात सत्य है। मोदी जी को भाजपा के प्रवक्ता को डिफेंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट है वो, और राहुल गांधी साहब को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है, ये सब जानते हैं। अच्छा चलिए, नहीं नहीं मैं अभी ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। देखिए अपने अपने नेताओं के बचाव, ये जनता है,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो आते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं, जनता उस पर लड़ जाती है और कहती है कि देश का नेतृत्व मोदी के हाथों में है, तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते, ये जनता की बात है, अपने अपने नेताओं के लिए सब बोलते हैं। देखिए हम तो जनता जिंदाबाद में ब्रेक पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक के दौरान बहुत तीखी बहस होती है, नेता जनता आपस में सवाल पूछते रहते हैं और कहते हैं कौन सही और कौन गलत। और बात हम कर रहे हैं निखिल रस्तोगी जी, और पीछे चले जाइए आप, जनता जितनी दिखेगी उतना बढ़िया होगा, ये जनता जिंदाबाद है, मुझे कम दिखाइए, इनको ज्यादा दिखाइए, ये देखिए इनकी मुस्कुराहट, बताएं कि नहीं अपने चाचा चाची को क्या मानने वाले हैं इतने बजे? नहीं हम तो नहीं बताएं, नहीं बताएं, तो चलिए बात हम किस पर कर रहे हैं समझ रहे हैं, चंद्रयान पर, चंद्रयान पर नेताओं के सवाल और ज्ञान पर, ज्ञान पर इतना नेता समझ रहे हैं, चंद्रयान पहुंच गया है वहां, समझ रहे हैं, भेज रहा है वहां से तस्वीर वस्वीर, कई तस्वीरें आ गई भी गई, हाँ यहाँ राजनीति चल रही है, क्या ही करना है इन लोगों को, बस यही तो करना है ना, मुर्गे लड़ाने हैं बैठ के, ये बोले वो बोले यही करना है और उपलब्धियां हासिल करवानी है, इस चीज को राजनीति राजनीति से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल दूर रखना चाहिए, इस पर फख्र करना चाहिए ना, इस पे गर्व करना चाहिए, हाँ। और इसरो के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि नमन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में ये हुआ इसलिए तुम्हारे कार्यकाल में ये हो गया, जी के कार्यकाल में नहीं हुआ, ये वैज्ञानिक कर रहे हैं, ना बीजेपी वाले वैज्ञानिक हैं, ना कांग्रेस वाले वैज्ञानिक हैं, ना सपा वाले वैज्ञानिक हैं, ये तो आम जनता के, देश के वैज्ञानिक, आम जनता के, हाँ बोलो भाई, इधर कोई कहना चाह रहा है जनता, हाँ बोलिए सर, इस पे राजनीति होनी चाहिए, पूछिए क्यों, बिकॉज अगर, हाँ यहाँ सामने ही सामने, एक अगर परमाणु का, क्या नाम है आप? मेरा नाम रजनीश कुमार है सर, ये रजनीश कुमार हैं और देखिए ये तर्क दे रहे हैं, बगल में रहिए, इतना दूर नहीं जाइए, बगल में खड़े रहिए, ये रजनीश कुमार हैं और कह रहे हैं कि जो चांद पर चंद्रयान पहुंचा इस पर राजनीति होना चाहिए, राजनीति क्यों होना चाहिए, थोड़ा अलग बोल रहे हैं इसलिए इनको हम टाइम देंगे, क्या नाम बताया था आपने सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है सर। रजनीश कुमार आप बिहार से ही होंगे? बिल्कुल सर, समझ गए थे, बिहार का आदमी इस तरह की बात कर सकता है कि इस पर राजनीति होना चाहिए, राजनीति क्यों होना चाहिए सर? अब जब भाजपा के टाइम, जब अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ही परमाणु परीक्षण क्यों हुआ, पहला सवाल सर ये हमारा, उस समय ही परमाणु परीक्षण करने का जिगरा क्यों हुआ प्रधानमंत्री के पास? आज नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्यमंत्री हैं, तो चंद्र प्रधानमंत्री है, तो भारत चांद पे गया 2019 में, यह सफल हो गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वैज्ञानिकों को ढांढस दिया, बजट दिया, तब आज हम चंद्रयान पे है सर। इस प्रकार का जो जिगड़ा है वो भाजपा के ही पास है, कांग्रेस के पास नहीं है, इनके लिए परिवार ही सबसे बड़ा है और भाजपा के लिए देश सबसे बड़ा है, इसलिए राजनीति होनी चाहिए सर, इसलिए राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। राजनीति में क्या बोलना सर? गट्स था परमाणु परीक्षण करने का, गट्स कांग्रेस में था, इतने साल से शासन की क्यों नहीं की परमाणु परीक्षण, क्यों नहीं वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण कर पाए इनके शासन काल में, पूछिए क्यों नहीं पूछते आप लोग, कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास ही जिगरा क्यों था, भाजपा के लोगों में ही समर्पण क्यों होता है, कांग्रेस के पास समर्पण क्यों नहीं आता? वो तो सब ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो नेहरू जी ने कल्पना की थी इसरो की स्थापना, नेहरू जी के बारे में बताता हूँ, धारा 370 और देश के टुकड़ा हुआ, कांग्रेस को मुबारक, परमाणु का परीक्षण हुआ, देश को परमाणु मिला, भाजपा को मुबारक, जिनके शासनकाल में करसो को भी गोली चलाया गया वो उनको मुबारक, जिनके शासनकाल में घर घर शराब बिक रहा है, मोहल्ले मोहल्ले शराब बिक रहा है वो उनको मुबारक सर, सिंपल सा है सर। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार को पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ, आ रहे हैं, ये भी आम जनता, ये भी जनता, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हाँ जी, एक सेकंड, जनता बताइए, दिखाऊंगा कांग्रेस के शासन काल में मेरे पिताजी बेरोजगार थे, मेरी माताजी हाउस आए थे, आज मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी पत्नी भी वर्किंग है सर, इंदिरा जी के शासन काल वाली जनता नहीं है? आओ यार, ये बहुत पुराना, बताइए आप। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को ये गौरव का जो पल है, गौरवशाली पल है, उसकी बधाई, भारत के साइंटिस्टों ने अंतरिक्ष में हमारा जो चंद्रयान गया है और उसकी तो बधाई उधाई हो गया, जो राजनीति हो रही है उस पर बताइए। मेरा भैया, हमारे भैया कह रहे थे कि मोदी जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, भाजपा को जाना चाहिए, जब मणिपुर में हादसा होता है 3-3 महीने तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं, बात करेंगे, हो गया उस पर, मैं कह रहा हूँ अगर उस पर हो गया, संसद पर बहस, 1900 अविश्वास प्रस्ताव, अगर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, अगर सेना चली गई, और अब क्या चाहते हैं, इसी को ढोते रहे दो चार साल, नहीं ढोना, अपने
जब देश के सैनिक, देश के डॉक्टर, देश के वैज्ञानिक काम करते हैं तो बीजेपी या किसी प्रधानमंत्री काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। ये लोग, ये जो पार्टियां हैं जो इसका क्रेडिट लेना चाहती है, ये क्रेडिट लेने के लिए जब कोई चीज देश में होती है तो क्रेडिट ले रहे हैं भाई आप लोग। हमें क्रेडिट लेने की जरूरत ही नहीं, हम तो प्रधान सेवक हैं। मोदी जी तो जब आए थे उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया था मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं राज करने नहीं आया। इस बार वहाँ 15 अगस्त पे परिवार जनों कह रहे हैं, और परिवार जन भी कहा, ये तो कहते हैं कांग्रेस, तभी तो राज पथ रखा, ये इनको हर जगह पे राज चाहिए, मैंने राज किया, इसीलिए राजीव गांधी को टपका दिया ऊपर से ही। इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करते, कौन सा इलेक्शन हुआ था राजीव गांधी को जब लेकर आइए, ये आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चंद्रयान की कहिए आप कहां इंदिरा और राज करते हैं, और जहां पर ये लोग बात करने की साथ इस मुद्दे को लेकर आगे की बात जाके लेकर आए, चंद्रयान की बात करते हैं तो चंद्रयान पे बात हो तो रही है। ये कह रहे नेहरू कर रहे, नेहरू कर रहे, अरे नेहरू का विजन कहां था, नेहरू क्या विजन लेकर आए थे, चंद्रयान के बेटे ने, जय शाह जी के बेटे ने कितने बोलो में, ऐसा के नहीं यार, जय शाह का बेटा बोल रहा है, अमित शाह के बेटे। हाँ जल्दी बोलिए, इधर से आ रहा हूँ, देखिए आ रहा हूँ, जनता जनता जो बोलना चाहिए, ये मेरे मित्र जो है इनको पता होना चाहिए, जय शाह जिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उसमें पूरे भारत की एसोसिएशन ने उसको चुनाव लड़वाया और फिर जीता। दूसरी चीज उन्होंने जो रजनीश, सिर्फ एक ये मणिपुर के लेके कह रहे हैं, इनके राज में मणिपुर में नहीं हुआ दंगल, अभी जो ये लेके हर समय जो ये मणिपुर के लेके कांग्रेस कर रहे हैं, जो मणिपुर में ये हुआ, इनके टाइम में जो राज था उस टाइम में भी मणिपुर में हुआ। इसी के में नहीं होना चाहिए, इनके ना उनके राजनीति क्यों करते हैं फिर आ रहा हूँ। देखिए मोदी जी के राज में 370 हाथी, 35 से हटा, ट्रिपल तलाक हटा, साथ ही साथ पाकिस्तान को घुस के अंदर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक की, कोरोना का टीका बनाया, देश को लगातार राशन दिया, 81 करोड़ लोगों को, देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, रफेल ले आए, देश के बॉर्डर्स को डेवलप किया, और अब चंद्रयान 3 पूरे विश्व में डंका बजाया। आपने कहा 4 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन यह भी बताइए कि भारत पहला देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। जनता जनता आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरा नेताओं से भी ये भी कहना है, मेरा नाम प्रवीण नेगी है, मेरा नेताओं से कहना है, कल सबने चंद्रयान की जब लैंडिंग देखी होगी लाइव टेलीकास्ट, तो वहां पे जो साइंटिस्ट लोग बैठे थे उनका आपने कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका व्यवहार, उनका आचरण भी देखा होगा, तो आप देखने से बता दिए कितने सिंपल और तरीके से, ऐसा ही व्यवहार हमारी राजनीति में भी आना चाहिए। अब आ जाता हूँ मैं इसरो से रिलेटेड, बताइए। अब मैं आता हूँ इसरो से रिलेटेड, आपने नम्बी नारायण इसरो जो हमारे पहले के साइंटिस्ट रहे उनका नाम भी सुना होगा, क्या हुआ उनके साथ में, किसकी सरकार में हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, और इनसे किसी से पूछिए कि डायरेक्टर जो इसरो के डायरेक्टर है इनसे पहले का नाम क्या था और कब नाम, अभी जो के सिवान जो पहले थे जब चंद्रयान 2 फेल हुआ हमारा, और अभी सोमनाथ जी जो अभी इसरो के पब्लिक को मरने के लिए क्या बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ जो आपदा बीजेपी के टाइम पे आई कोविड वाली, अगर कांग्रेस के टाइम पे आती तो ये तो इटली में चले जाते, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ जाते, बहुत बढ़िया है, ऐसे चले जाते, इनका काम क्या है, पब्लिक को जो राज करते हैं सिर्फ के लिए, राहुल जी जैसे चले जाते हैं मसाज के, रुक जाओ यार, देखे हो मसाज के लिए चले जाते, कुछ भी बोलते रहते, इन्हें सिर्फ राज करना आता है, पब्लिक को क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। चंद्रयान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चंद्रयान पे यार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर कोई बोल रहा था चंद्रयान पर राजनीति, अरे इधर आओ यार, शर्मा रहे हो, इधर आओ हंस रहे हो, इधर आओ, हाँ या ना, इतना तो बुलवाऊंगा आज मैं, यहाँ आओ। चंद्रयान पर राजनीति होनी चाहिए जो हो रही है, हाँ या नहीं, नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बोलना, नहीं शर्मा रहे, राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा देश पहले पे 3rd नंबर पे आया हुआ है चंद्र। हमारे दर्शकों ने जो कमेंट किया है वो कमेंट भी आपको बता देता हूँ, मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जनता से हमने पूछा था कि क्या चंद्रयान पर राजनीति होनी चाहिए, जनता ने क्या क्या कमेंट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर शख्स है महेश, उन्होंने लिखा है शुरुआत तो आप करो, ये आगे पढ़ें कि नहीं हम एक गरिया रहे हैं, जो समय इसरो वैज्ञानिकों को स्क्रीन पर देना चाहिए वो तो आपने मोदी जी को दे दिया, इनका कहने का मतलब है टीवी में मोदी जी क्यों दिखा दिया, अब ये जनता जो है ये जनता है, आपने क्या बोल रहे हो, जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना इसलिए सारे इंजाम सुन लिया भाई, जनता ने बता दिया आपको,
इसके अलावा जुल्फिकार अली शेख हैं, ये लिखते हैं कि चंद्रयान तीन की सफलता को सही मायने में अगर देखेंगे तो यह पूरे भारत की सफलता है। अच्छी बात करें, ताली बजा दीजिए इनके लिए। इसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, यह कोई एक दिन का काम नहीं, 70 साल लग गए हमें चांद को पहुंचने में। अगर कोई यह कहता है कि उसने यह 10 साल में कर लिया है तो वह और बातों की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, जयप्रकाश हैं, वो लिख रहे हैं, परिवार में एक मुखिया होता है, अच्छे से सभी रहें और काम करें इसका ध्यान रखता है, ऐसे में पूरा परिवार उस मुखिया की तारीफ करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। मोहम्मद जावेद क्या लिख रहे हैं, मोहम्मद जावेद सिद्दीकी लिख रहे हैं, चंद्रयान तीन की सफलता का श्रेय सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। ऋषभ मिश्रा कह रहे हैं, राजनीति केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही करनी चाहिए। प्रभाकर कह रहे हैं, इसरो के योगदान को अनदेखा करना है और प्रधानमंत्री को श्रेय देना की राजनीति है। तो चलिए, मुझे मेरे सहयोगी निखिल रस्तोगी और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए, और इतना मत बजाओ यार, हो गया, नमस्कार।